नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष प्रथम व्यक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन एक या दो नंबर का जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लेकिन आसान सवाल होता है और GK में ये आपका एक नंबर घटा देता है। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने वाले हैं और अभी तक प्रथम जो महिला हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको दे दी है, चैनल पर डली हुई है, वो आप देख सकते हैं, चैनल पर डली है। ओके, आप सभी को बता दूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को, अगर आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो सीरियस हैं और उनको तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। स्पष्ट कह रहा हूँ, सटीक कह रहा हूँ, जिनको माँ बाप के सपनों को पूरा करना है उन्हीं के लिए यह चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कोई लपेट नहीं। भारत में प्रथम पुरुष या प्रथम व्यक्ति से रिलेटेड तो प्रथम है, इसमें पहला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का भी ये प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनका नाम सी राजगोपालचारी भी कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में, 1954 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आपको पता होगा कि ये बारदौली के सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, जब बारदौली के सत्याग्रह में भाग लिया था तो इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी और तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और बाद में इन्होंने 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। जो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट थे, ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी कौन थे? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था, तो भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। जनरल एम राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो जनरल करियप्पा। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ पूछता है तो जनरल करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आ सकता है रिपीट करके। तो फील्ड मार्शल तो आपको पता ही चल गया कौन, जनरल मानेकशॉ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी कहते हैं। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन था, तो ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। कौन? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम
भारतीय न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो बेनेगल रामा राव। जो बेनेगल रामा राव थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ब्योमेश चंद्र चटर्जी, सॉरी बनर्जी। कौन? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में ये बने थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में ही हुई थी और ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहानी। कौन था? हसरत मोहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि। इन्होंने उपन्यास लिखा है, इस उपन्यास के लिए इनको मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर हम आ गए, ये रही, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कहाँ तक हो गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो सीवी रमन। इनको भौतिकी के लिए मिला था नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे, जो कि किससे संबंधित हैं? भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। किससे? भूदान आंदोलन से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय ए आर रहमान थे। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 ईस्वी में इनको मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। देखिए, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं प्रथम विदेशी नागरिक थे, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। एक और मिला था, तो ये मिला था नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला हैं, इनको भी, ये भी विदेशी नागरिक थे और ये साउथ अफ्रीका में, इनको गांधी के नाम से जाना जाता है, साउथ अफ्रीका में इनको गांधी कहा जाता है। इनको भी क्या है? भारत रत्न मिला है। तो दो विदेशी नागरिक हैं जिनको सिर्फ अभी तक भारत रत्न मिला है, तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो अगर प्रथम व्यक्ति की बात करें तो श्री शंकर कुरूप थे। कौन थे? श्री शंकर कुरूप, जिनको, जो प्रथम व्यक्ति हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और महिला की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जिनको क्या मिला था? जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए, आईसीएस की परीक्षा जो होती है उसमें सफल होने वाला प्रथम भारतीय है सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में भारत से कहाँ से जाते हैं? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो मेहर सैन। कौन है? मेहर सैन। जो मेहर सैन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं ये। और अगर महिला की बात की जाती है तो ये कौन है? आरती शाह। कौन है? आरती शाह। जो आरती शाह हैं ये महिला हैं जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाँ, यहाँ पर पॉइंट था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये
इनके नाम पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इनके नाम पर एक कोलकाता पोर्ट का नाम था, कोलकाता पोर्ट क्या था, कोलकाता पोर्ट था, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस बार पूछ सकता है एग्ज़ाम में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। और इसके कुछ रह गए हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। और हाँ, जिन स्टूडेंट को नहीं देखना है, सीरियस स्टूडेंट नहीं है, कभी मत देखिए, बिल्कुल मत आइए चैनल पर कभी भी। लेकिन हाँ, जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ, उनका संपूर्ण साथ देने के लिए, अंत तक साथ देने के लिए मैं उनके साथ हूँ, ओके। तो उन सभी के लिए मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और एक क्लास होने वाली है DRDO, SSC MTS और SSC GD के स्टूडेंट्स के लिए। SSC GD के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए एक जो मिक्स्ड आपका एक तरीके से मिक्स्ड मॉक टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको अगर वो स्टार्ट कर पानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर जल्द से जल्द वो क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।